एक गांव में एक बड़ा साहूकार रहता था। साहूकार बहुत पैसे वाला था। आसपास के कई गांव में उसका बड़ा नाम था, लेकिन इस साहूकार को अपने पैसों का, अपने रुतबे का और अपने नाम का बड़ा ही घमंड था। वो अपने नाम को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा सोचता था और बिना किसी की भावनाओं को कद्र किए वो सब करता था जो उसे लगता था कि करना चाहिए। साहूकार को कई सालों बाद एक संतान प्राप्ति हुई थी। साहूकार ने अपनी इस खुशी को मनाने के लिए अपने घर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा, जिसमें उसने आसपास के गांव के सभी श्रीमंत लोगों को और सिर्फ ऐसे रिश्तेदारों को जो पैसे वाला था उसे बुलाया गया था। पास के ही गांव में साहूकार की खुद की सगी बहन भी रहती थी। क्योंकि इन दिनों उसकी आर्थिक परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी बहन को तक इस कार्यक्रम के लिए नहीं बुलाया। साहूकार ने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया था वो इतना भव्य था और इसके अलावा उसमें इतने प्रसिद्ध और श्रीमंत लोग आने वाले थे कि इस कार्यक्रम की चर्चाएँ हर गाँव में होने लगी। यह खबर उस साहूकार की बहन तक भी पहुँच गई। बहन को ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इतने सालों बाद उसके भाई को आखिरकार संतान सुख प्राप्त हो ही गया। बहन ने सोचा कि भाई गलती से उसे इस बारे में बताना भूल गया होगा, और अपनों को भला कोई न्योता देता है। भोली बहन ने अपने भाई के यहाँ उस कार्यक्रम में जाने की तैयारियाँ शुरू कर दी। जिस दिन वो कार्यक्रम था उस दिन बहन सुबह सुबह ही अपने भाई के घर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में अपने पुराने मैले कपड़े देख उसे ख्याल आया कि अगर किसी और के घर जाना होता तो मैं ऐसे कपड़ों में नहीं जाने की सोचती भी नहीं, लेकिन मैं तो मेरे अपने घर मेरे मायके जा रही हूँ, वहाँ मुझे ये सब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ही वो अपने मायके पहुँची वहाँ का भव्य आयोजन देखकर वो बहुत खुश हो गई और उसे अपने भाई पर बहुत गर्व हुआ। वहाँ पर वो जल्दी से जल्दी अपने भाई को मिलकर उसकी खुशी में शामिल होना चाहती थी। वो तुरंत सीढ़ियाँ चढ़कर घर के अंदर प्रवेश कर गई। उसने देखा कि उसका भाई मेहमान के तौर पर आए सभी धनाढ्य और नामी लोगों का स्वागत करने में व्यस्त है। बहन जैसे ही अपने भाई की तरफ उससे मिलने के लिए बढ़ी, उसकी भाई की नज़र उस पर पड़ गई और अपनी बहन को ऐसे मैले पुराने कपड़ों में देखकर भाई ने उसे मिलना तो दूर बल्कि तुरंत बहाना बनाकर वहाँ से निकल गया। बहन ने सोचा इतने लोगों में बेचारा अकेला भाई क्या क्या करे, ज़रूर उसे कुछ काम याद आया होगा इसलिए वहाँ से चला गया होगा। बहन बाद में अपनी भाभी से मिलने गई। भाभी ने उसका स्वागत किया और उसे खाना खाने के लिए आग्रह किया। बहन ने सोचा ठीक है, पहले खाना खा लेती हूँ फिर बाद में आराम से भाई से मिल लूँगी। बहन खाना खाने के लिए पंगत में बैठी। साहूकार यानी कि भाई ने देखा कि अपने सभी धनवान मेहमानों के बीच उसकी गरीब बहन बैठी हुई है। सभी कीमती पोशाक पहने लोगों के बीच उसकी बहन जो पुराने मैले कपड़े पहनकर बैठी थी, वह साहूकार से देखा नहीं गया। उसने अपनी बहन को अपने पास बुलवाया, भला बुरा सुनाया और वहाँ से जाने के लिए बोला। बहन ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार भी हो सकता है, और वो भी उसके खुद के मायके में। अपना अपमान होने के बाद बहन तुरंत अपने घर ससुराल जाने के लिए चल पड़ी। बहन इस बात को पचा ही नहीं पा रही थी कि उसके अपने भाई ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। उसकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। रास्ते में उसे अपनी पुरानी दोस्त मिली। उस दोस्त ने उसे रोने का कारण पूछा। हालांकि बहन उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन दोस्त के बार बार पूछने पर उसने उसके साथ हुई सारी घटना उसे बता दी। उसकी दोस्त एक समझदार महिला थी और काफ़ी प्रैक्टिकल सोचने वाली थी। उसने कहा अगर तुम मेरी बात मानो तो एक दिन तुम्हारा भाई खुद तुम्हें अपने यहाँ बुलाएगा और तुमसे माफ़ी मांगेगा। बहन ने उसे कहा कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बताओ मुझे क्या करना होगा। दोस्त ने कहा कि तुम इस अपमान को, इस दुख को एक दिशा दे दो और कोई गृह उद्योग शुरू कर दो। उसमें इतनी मेहनत करो कि उस काम में तुमसे अच्छा कोई भी ना हो। बहन को अपने दोस्त की बात सही लगी। उसने घर पहुंचकर अपने आंसू पोंछकर उसी दिन से एक गृह उद्योग शुरू किया। उसने दिन रात मेहनत की, अपने साथ कई और गांव की महिलाओं को जोड़ा और देखते ही देखते उसका गृह उद्योग चल पड़ा। कुछ ही सालों में आसपास के 50 गांव में उसका नाम और रुतबा काफ़ी बढ़ गया और अब वो पैसों के मामले में अपने भाई से भी ज़्यादा बड़ी बन गई। भाई को जब ये पता चला कि उसकी बहन इतनी श्रीमंत हो गई है तो उसने सोचा कि एक बार उससे मिलकर आया जाए।
वो जब अपने बहन को उसके घर मिलने पहुंचा तो बहन ने उसका किसी राजा महाराजा की तरह स्वागत किया, उसके पसंद का खाना खिलाया। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर भाई को अपनी पिछली गलती का एहसास हुआ, इसलिए उसने अपनी बहन को अपने घर होने वाली पूजा के लिए आमंत्रित किया। कुछ ही दिनों बाद बहन अपने भाई के यहाँ उस पूजा के लिए पहुँच गई। जैसे ही बहन अपने भाई के घर पहुँची, उसका भाई उसके स्वागत के लिए दरवाजे में ही खड़ा था। बहन अपनी महंगी गाड़ी में आई थी, उसने बहुत कीमती साड़ी और उससे भी ज़्यादा कीमती गहने दागिने पहने रखे थे। बहन का ऐसा ठाट बाट देखकर सिर्फ भाई नहीं बल्कि उसका पूरा गांव दंग रह गया। भाई दौड़ कर आया और बहन की गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर आने के लिए कहा और बड़े प्यार से उसे पूजा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया। बहन को इस बार 12 पकवान परोसे गए थे चांदी की थाली में। उसे खाना दिया गया तो वो साथ में एक सोने की चम्मच भी रखी गई थी। उसके बैठने के लिए एक बेशकीमती पाट रखा गया था। बहन को ये सब देखकर उसके वो पुराने दिन याद आ गए जब भाई ने उसे बिना खाना खिलाए ही भला बुरा कहकर वापस लौटा दिया था। बहन खाना खाने के लिए तो नहीं बैठी, लेकिन उसने अपने सारे कीमती दाग दगीने और जेवर उतार कर उस थाली के सामने रख दिए और खाने में से कुछ निवाले उन दाग दगीना पर रख दिए। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर सभी हैरान थे कि किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि बहन ऐसा क्यों कर रही है, आखिर वो क्यों उन जेवरों को खाना खिला रही है। जब सभी ने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तब बहन ने सबके सामने बताया कि आज जो उसका इतना मान सम्मान हो रहा है वो दरअसल उसका नहीं उसके इन्हीं कीमती दाग दगीनों और कपड़ों का हो रहा है, क्योंकि मैं तभी भी वही पुरानी साहूकार की बहनी हूँ। अगर कुछ बदला है तो मेरी परिस्थिति है, मेरे कपड़े और गहने हैं। भाई ने अपनी गलती का एहसास होने पर इस बार अपनी बहन के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। बहन जो पहले भी अपने भाई से निस्वार्थ प्रेम करती थी, उसे अपने भाई को माफ़ कर दिया और उसे गले से लगा लिया। दोस्तों, पैसे सिर्फ हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए है, जबकि रिश्ते जीवन में मिले किसी वरदान की तरह है अगर उन्हें सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से निभाया जाए। पैसे खर्च हो जाए तो आप बाद में भी कमा सकते हैं, मगर रिश्ते खर्च हो जाए यानी टूट जाए तो दुनिया का सारा धन भी आपको नहीं उन्हें वापस नहीं दिला सकता।